मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। मैं इस तरह रोज रोज भीख नहीं मांग सकता। क्या हो गया फहद? जरूरत के वक्त कदे को भी वापस आना पड़ता है। तो क्या करूं, कल वाला चेक वापस दे दिया ना उसने। अनवर चाचा, अनवर चाचा। जी अमर बाबा। चाबी ले और ये बैग, जाके मेरी गाड़ी पर रख दे। बात वो कल तुमने चेक पे साइन नहीं किया, ऑफिस आ जाओ, वहां बैठ के बात करते। देख लिया कैसे बात कर रहे हैं अहमद साहब मुझसे? मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट नहीं हूं, भाई हूं तुम्हारा, इस तरह बात नहीं कर सकते तुम। फहद, फहद तुम खामखा भड़क रहे हो। मैंने कहा ना ऑफिस आ जाओ, कर दूंगा, ये बिजनेस है, कोई मजाक नहीं, हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है, और मैं अपने लिए भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं निकलवा सकता। बड़ी अमाउंट? जारा तुम पूछो इससे, अभी 2 हफ्ते पहले गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। What? गाड़ी के लिए? लेकिन हमारे पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम बीच में मत बोलो, मैं भी बेटा हूँ इस घर का, तुम्हारा भाई हूँ, बिजनेस में बराबर का शरीक हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर, पहले भी तुम ही थे ना, क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा? हाँ, और वैसे भी ये जिम्मेदारी मुझे मामा ने दी है, मैंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की। जाकर अम्मी से बात कर लो और संभालो सब कुछ तुम। अब नहीं फा, कोई बात नहीं, अब अहमद तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम ऑफिस जाओ, हाँ मैं देख लूंगी। जारा समझाओ इसको, तुम भाई हूं मैं इसका, दुश्मन नहीं, ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है, अगर इसमें नुकसान हुआ तो हम सबका होगा। एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे, आखिर ये पैसे जा कहां पे रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहा है वो, और मॉम उस पे अंधा ट्रस्ट करती है ना, एंड में पछताएंगे खुद। भाई वो क्यों झूठ बोलेगा, पैसे कहां जा रहे हैं आखिर? भाई क्या डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह? आइए, आप ही का किया धरा है सब, बिजनेस सौंप दिया ना उसको, और हमें अपने पैसे मांगने के लिए उसके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ती है। तो इसमें किसका कसूर है? मेरा? तुम्हारा अपना कसूर है, मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? कभी गौर किया? और उसने 3 साल में हमारा बिजनेस कितना एक्सपैंड किया, डू यू रियलाइज दैट? पिछले लॉसेस भी पूरे कर दिए तुमने। ठीक है ठीक है, मैं ही बुरा हूं ना, मैं ही गैर जिम्मेदार, मुझे तो लगता है मैं आपका सौतेला बेटा हूं। अब आप एक काम करें, मुझे बिजनेस से अलग कर दें, मैं अपना कोई सेटअप बना लूंगा। ओके चलो देख लेते हैं, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा।